हेलो एवरीवन, माय नेम इज सेजल शाह। एज यू ऑल नो, IBPS रिजल्ट हैड डिक्लेयर्ड एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया इन क्लरिकल कैडर। सो मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी 2019 से स्टार्ट की थी और मैंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से अगर मैंने किसी मेंटर्स को फॉलो किया है तो वो अरुण सर है, पुनीत सर है और विशाल सर है। मैंने उनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखती थी और वहाँ से मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते थे वो हमेशा नोट डाउन कर लेती थी ताकि वो मुझे फ्यूचर में भी काम आ सके। और वो मुझे काफ़ी काम भी आए आगे, मेरी प्रिपरेशन के स्टेज जो मेरा फेस था उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे वो नोट्स। और स्पेशली मैं अरुण सर के वो थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि अरुण सर की वीडियोज़ देख के मेरा एक टाइम पे जो क्वांट सेक्शन वीक हुआ करता था, मैंने उनकी वीडियोस देखी और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, मेरे बेसिक्स क्लियर हुए थे। और साथ ही साथ में अरुण सर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि वो वीडियोस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और साथ ही साथ में उसका एक शॉर्ट मेथड भी सिखाते हैं कि हम एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम की रियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हमेशा उन्होंने बताया है, जो मुझे उनकी वीडियोज़ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है। सेम मुझे रीजनिंग की बात करना चाहूँगी। मैंने पुनीत सर की वीडियोस देख के अपने जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट थे वो सारे वहाँ से क्लियर किए थे और उनकी वीडियोस भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है। और इंग्लिश की बात करूँ तो विशाल सर की जो 500 सीरीज़ थी एरर डिटेक्शन की, वहाँ वो मैंने सारी वीडियोज़ देखी थी और वहाँ की जो वीडियोज़ देख के मेरा जो ग्रामर का पोर्शन होता था वो मेरे को काफ़ी अच्छा हो गया था। वहाँ देखकर, उनकी वीडियोस देखकर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और सेम ही मैं उनकी सुबह जो 7 बजे वो एडिटोरियल करवाते और उसके साथ में वो वोकैब लेके आते हैं तो वहाँ से भी मेरी जो वोकैब थी वो स्ट्रांग हुई और काफ़ी मुझे उनकी वीडियोस देख के हेल्प मिली है। और हमेशा जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं सर की, वो हमेशा एक गाइडेंस देते, एक मोटिवेशन देते कि हमेशा हमें कभी हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है और अपना गोल अचीव करना है। इसलिए मैं तीनों सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी, टीम AVP को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा जो प्रिपरेशन का फेज था उसमें उनकी काफ़ी हेल्प रही है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन सर तीनों सर ने। सो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन के लिए। और ऐसे ही आप सारे आगे आने वाले जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके ऐसे ही आप हेल्प करेंगे। Yes, my name is Nidhi Tomar. I have been selected as a provisionary officer in Punjab National Bank. Currently, I am working in Bank of India as a clerk. तो मेरे पास time foundation होता है तो मेरे लिए quality studies और ज़्यादा matter करती हैं। तो here team AVP came as a rescue कि उनके video lectures बिल्कुल to the point होते हैं और मैं उनके सारे lectures follow करती थी, बिल्कुल रात में देखा करती थी, जैसे मुझे time मिलता था उस हिसाब से, और उनने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच टीम AVP और मुझे पूरा भरोसा है कि इन फ्यूचर भी आप मेरी तरह हज़ारों कैंडिडेट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और उन्हें सक्सेस दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार महला एंड आई एम सिलेक्टेड एज बैंक PO इन पंजाब नेशनल बैंक। लाइफ में पहली नौकरी की खुशी कुछ अलग सी होती है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अरुण सर, विशाल सर और पुनीत सर का आशीर्वाद सारे एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसे ही बना रहेगा और इस खुशी का अनुभव हर एक एस्पिरेंट को एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों का करता हूँ यहाँ पे स्वागत। तो आप लोगों ने बहुत सारी अभी टेस्टिमोनियल वीडियोस देखी, ये उन बच्चों की है जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों की भी वीडियो चलवाई जाए और आप लोगों को भी पूरी दुनिया सुने और आप भी अपनी जर्नी बताओ, आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बता दो कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और जहां जहां भी आप लोग इस समय मौजूद हैं। तो एक बार जरा बता दे सर, मेरी वॉइस सर में चेक कर लेता हूं वॉइस वगैरह, जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ। चलो, तो वॉइस एकदम परफेक्ट है। एक बार सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, सबसे मैं कहूंगा इस वीडियो को शेयर कर दें, सबको अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दें
देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप पढ़ाते कहाँ पे हो, मेरे कोर्स कहाँ पे होते हैं? तो मेरे कोर्स बेटा इस समय होते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मेरे प्लस कोर्स भी होते हैं और अनअकैडमी पर मेरे फ्री कोर्स भी होते हैं। तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आपको सर्च वहां पे क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है अनअकैडमी पे सर्च करने का आपको, कि आप वहां पे क्या करोगे, अनअकैडमी पे सर्च करोगे अरुण सिंह रावत। जैसे आप अरुण सिंह रावत करोगे, कोई भी आपको अगर बैच परचेज करना है, बैच खरीदना है अनअकैडमी पे, कोई भी बैच आप 12 महीने चूज करोगे, क्योंकि 12 महीने में आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। रेफरल कोड आप लगाओगे AVP10 और आप अप्लाई कर दोगे, तो जो 6,000 रुपए फीस है वो आपकी सीधे कम होकर 5,400 रुपए हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे रेफरल कोड नहीं लगाते हैं, तो उनसे भी मेरा कहना है कि भैया रेफरल कोड लगाने से पूरा पूरा 10% का ऑफ मिलेगा, प्लस जो आपके ये पॉइंट्स अगर वहां पर अवेलेबल है इसको भी आप अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हो आपको फीस और कम हो जाएगी। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपको डिस्काउंट कम हो जाएगा, तो ये डिस्काउंट आपका 10-15% तक पहुंच जाता है, सही है? तो इसी के साथ आप अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा डेली मेरी 4 बजे क्लास होती है यूट्यूब पर, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं क्या लेकर आया हूँ, शुरू करने से पहले टेलीग्राम चैनल है मेरा मैथ्स बाय अरुण सर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब की जितनी भी PDFs आपको मिलेंगी वो मेरे इसी टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो ऊपर आप देख सकते हो साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है मैथ्स बाय अरुण सर चैनल। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मेरी सारी PDF आपको वहां पे मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम के लिए आपको सिंपली सर्च मारना है और आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? चलो शुरू करें, एक बार थम्स अप करते हैं। आज 45 डेज के प्लान पे हम लोग बात कर रहे हैं। जो प्लान मैंने आप लोगों को दिया था, जो प्लान मैंने आप लोगों को समझाया था, उस पे आज तीसरा दिन है। अप्रोक्सीमेशन की आज मेरी पहली क्लास है। तो एक बार जरा जल्दी से सब लोग, वॉइस नहीं आ रही क्या, एक बार कमेंट करके बता दें वॉइस आ रही है। चलो तो अप्रोक्सीमेशन की मेरी पहली क्लास है आज, अप्रोक्सीमेशन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल भी समझा देता हूँ कि पूरा का पूरा शेड्यूल आपका क्या होने वाला है। यूट्यूब का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया भी था शायद, कि हम लोग शुरुआती दौर में सिंप्लीफिकेशन 1 मैंने किया, ठीक है? तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन 1 को किया था, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन हमने 2 किया था, ठीक है? उसके बाद में आज अप्रोक्सीमेशन 1 होगा। आज आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन की बेसिक क्लास 1 है, कल अप्रोक्सीमेशन की दूसरी क्लास होगी, ठीक है? उसके बाद में वेडनेसडे को हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। अर्थमेटिक के मैंने 5 टॉपिक डिसाइड किए हैं, तो परसेंटेज 1 होगा बेटा वेडनेसडे का। तो इस पूरे वीक का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं, इस पूरे वीक का, आज तारीख कितनी है आप लोगों की, पूरे वीक का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्लोज कर दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना? पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आपको समझा देता हूं। 22 जून, देखो इस पूरे वीक का शेड्यूल ध्यान रखना बेटा, 22 जून है आज, तो 22 जून को आपका अप्रॉक्स है मंडे, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रॉक्स 1। उसके बाद 23 जून यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार को पढ़ेंगे अप्रॉक्स का 2। उसके बाद में 24 जून वेडनेसडे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज 1, और 25 जून थर्सडे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज 2, और उसके बाद में 26 जून को फ्राइडे हम लोग इस पे करेंगे रिवीजन कह लो या फिर टेस्ट कह लो। तो ये पूरे वीक का शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, एक बार जरा सब लोग थम्स अप कर दें, ये पूरे वीक का शेड्यूल है, इसको नोट कर लो आप सभी लोग, कि अप्रॉक्स 1, अप्रॉक्स 2, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2 और फिर रिवीजन। ये पूरे पूरे वीक का शेड्यूल आपके सामने मैंने रख दिया है, तो आप कोशिश करेंगे पूरे पूरे वीक में इस तरीके से आप आएंगे, और पूरे वीक का शेड्यूल मैंने इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, सही है? चलो तो एक बार थम्स अप कर दें सब लोग, शुरू कर रहे हैं फिर आज की क्लास। चलो शुरू करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो बनाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स सी एवरीवन,
साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई साउंड मेरे हिसाब से ओके एकदम आ जाओ। आपने कहा प्रॉक्स में कितना खेलेंगे इसको? ये हो जाएगा 9230-5020 प्लस ये 1500। मैं आपको बार बार कह रहा हूं जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यार, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपने कहा ये हो गया आपके पास में और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क और आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे जितने लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे रहे हैं। तो 9230 में से आपने कहा 5020 माइनस कर लो तो आपने कहा कितना हो गया 10, 2, 9 में से 5 गया 4 और आपको 1500 जोड़ना है। तो आपने कहा 10 तो आएगा 5 और 2, 7, 4 और 1, 5 57, 10 अप्रॉक्स में ही आ जाएगा। बोलो भाई थम्स अप करो, यस फास्ट, जितने भी लोग यहां पर बने हुए थम्स अप कीजिए, आसान है कि टफ है? तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हो रही। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, अपने आप को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। चलो बनाओ, ट्राई करेंगे कितने लोग आंसर करते हैं। बहुत इजी यार, बहुत मुश्किल नहीं है। तो लेट्स सी, थर्टी सेकेंड का टाइम मोर देन सफिशियंट है आपके पास। आ जाओ, एक बात बताओ, 999 है, आप इसे क्या लिख सकते हो अप्रोक्स में 1000 और इसको डिवाइड बाय कितना कर लो 50 और इनटू में कितना कर लो 100। तो एक बात बताओ 50 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, एक बात बताओ। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 50 से डिवाइड करोगे 20 है ना, पहले तो डिवाइड करेंगे ना, तो जाएगा 20 इंटू 100। आ रहा है समझ में? एक बार हाँ या ना बोलो। तो आपने कहा कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 माइनस 1300, तो आप कहोगे 2000 में से 1300 गया, 700 आंसर है। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जो बेसिक लेवल का बच्चा भी है उसको भी समझ में आ रहा होगा करना क्या है। नेक्स्ट एक और जल्दी से बनाएंगे, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, बनाओ। ट्राई करो, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं। अगर मैं बात करूं तो जितना आप ओरल कर सकते हैं उतना बेस्ट होगा आपके लिए, जितना आप ओरल कर सकते हैं दैट विल बी बेस्ट फॉर यू गाइस। देखो ये 30% है यार, 30% 20 काट देगा, आप थोड़ा सा ओरल करो, परसेंट 0 काट देगा, 26 का 3 गुना 26 दिया, सब लोग मालूम है 26 का 3 गुना कितना होता है 78, ठीक है। या आपने कहा 60% ऑफ 610, तो परसेंट 6 1 6 और ये 306 भाई, ये 510 कर लो, 6 5 30 है ना, तो 306 हो गया माइनस 103 कर लो, बताओ क्या था दिक्कत। 103 इसमें माइनस किया 3 हो गया 0, 203 और 78, तो आपने कहा 281 हो जाएगा, 281 अप्रॉक्स में 2। तो एक बार जरा मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोग, यस फास्ट। और यार एक बार बताओ, वीडियो को बहुत कम लोगों ने शेयर किया है अभी तक, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बेटा वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे। एक बार जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो जितने भी लोग हैं, चलो फटाफट से शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा बनाइए।
आ जाओ, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, देखो 25 कुछ लोग कर रहे हैं, आ जाओ। एक बात बताओ 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने कहा 22 का स्क्वायर कितना है? 484। फिर आपने कहा 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और 13 का स्क्वायर बेटा 169, तो ओरल करो ना यार। तो आपने कहा 169, 9 4 13 14 और 1 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 653 में 625 माइनस करना है, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, और ये 4 में से 2 गया 28, विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 25। नेक्स्ट बनाइए। बनाओ बनाओ, शाबाश, आ जाओ। अब देखो कितने लोग इसका आंसर करते हैं और कितने लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं। भाई साहब ये कितना है? 2500। 2500 का मतलब 50, 625 25 और डिवाइड बाई कितना है? 10। तो क्या करोगे? 50 इंटू 25 डिवाइड बाई 10, 10 से 5 बार 125 अप्रोक्स में ये रहा। नेक्स्ट फास्ट 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रख रहे हैं। मुझे इतना यकीन है कि जो बच्चा प्लस में नहीं पढ़ पा रहा है वो यहां पे आके जरूर आज कुछ ना कुछ सीखने वाला है। आ जाओ, अब देखो कितने लोग आंसर करेंगे। 60% ऑफ 35। अब देखो परसेंटेज बहुत ध्यान रखना, 60% है ध्यान रखना, और ये 35% भी है, तो अपॉन में 100 भी आएगा और 100 भी आएगा, और इनटू में एक्स आएगा बराबर में 11 34। समझना बेटा बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब सॉल्व कैसे करोगे? देखो अगर आप ध्यान से देखो, इससे कटा 6 से काट के देखता हूँ, क्या 6 से कट जाएगा? 4 3 7 8 और 1 9 कट जाएगा। आपने कहा 6 से कितनी बार गया? 6 1 जा 6 53, 6 8 जा 54, 6 9 जा 54। देखो ना 6 से काट लिया आपने, आप इसको जितना हो सकता है आपको कैलकुलेशन लगानी है। तो आपने कहा कि आपने डिवाइड किया 6 से, तो आपने कहा 1 8 और ये 9 हो गया, 6 से कट गया। 35 से इसको डिवाइड करना है, 7 2 14, 7 7 जा 49, 7 से 5 बार, 5 से डिवाइड किया 5.4, मतलब आंसर 54। यस, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। नेक्स्ट एक और बनाइए। देखो कैसे सॉल्व करोगे समझना है बहुत ध्यान से। 7 0 5 5 है, बहुत ध्यान समझना बेटा, और ये डिवाइड बाई 12 है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि 7 0 5 6 किसका होता है। अब प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है इसका स्क्वायर रूट निकालने में, कि भाई 7 0 5 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है। देखो तो लास्ट में कितना है? 6, तो आप कहोगे 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, दो नंबर काट दो, 8 के नजदीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 9 का स्क्वायर 81, तो नजदीक तो बेटा इस वाले के ना 64 के नजदीक है, तो 84 आंसर हो गया। आपने कहा ये 84 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 360, बस हो गया सॉल्व। तो 12 से 7 बार 7 माइनस करेंगे 361, 361 होता है 19 का। एक और नेक्स्ट
बनाओ। ट्राई करो, ट्राई करो, शाबाश। बहुत इजी यार, बहुत मुश्किल है नहीं आप लोगों के लिए यार। यस कम ऑन एवरीवन फास्ट, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। कम ऑन एवरीवन फास्ट, आ जाओ। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है यहां पर, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आ जाओ, 45 कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 45 कर रहे हैं। देखो यार ये कितना है, 62, 620 है और ये 62 है। अब ये सबको यहाँ लेके आओ, अगर आपने कहा 68 है तो मैं इसको यहाँ माइन, देखो ये कितना हो जाएगा, 62 जोड़ लो इसमें तो ये हो जाएगा भाई 619 ही कर लो चाहे, चलो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर तो 19 और 12 681 हो गया, माइनस इसको देखो 568 है और ये 68 है, 6 36 माइनस कर लो तो 11 में 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45। नेक्स्ट एक और जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। बनाओ बनाओ शाबाश। आ जाओ, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, लेट्स सी कितने लोग, 6 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग मैक्सिमम लोग 6 आंसर कर रहे हैं। देखो 144 किसका होता है बेटा, 12 का, 324 होता है 18 का, डिवाइड बाई कितना है 4 है, इज इक्वल टू में एक्स 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18 तो आपका आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी। एक और बनाइए, ट्राई करो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। कोई आंसर किसी के पास, 26 मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं, आ जाओ तो देखते हैं 26 कितने लोग आंसर करेंगे। देखिए बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, ये 87 है, ध्यान रखना, ये आपने कहा 3 है क्योंकि ये इसकी पावर 1/2 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है सर, ये 1/2 जो लिखा हुआ है इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो ये 3 हो गया, अब उसके पास में प्लस एक्स है और ये आपके पास में 52 है और ये 64 है, तो 64 जोड़ लो, 4 8 2 6 6 5 11 तो माइनस 90 कर लो तो जाएगा 6 26, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में है कुछ। नेक्स्ट एक और जल्दी से बनाएंगे फास्ट। बनाओ बनाओ शाबाश। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, शाबाश। आ जाओ,
अब देखो 390% है और ये कितना है 390% है ना, तो आप कहोगे 390% यही तो होगा, और ये 400 है और ये 13 है, प्लस 60% ऑफ 350, तो 60% ऑफ 350, दो जीरो कट गई, 35 का 6 गुना 210 आपने सॉल्व किया, जीरो कट गया 13 से 30 बार, और 13 चौको 52 520, सॉरी 3 चौको 12 120 और 210, तो 0 2 और 1 3 330 आंसर है, ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन आंसर है। तो एक बार जरा सब लोग बताओ, सर इजी है कि बेस्ट है, बताओ कम ऑन फास्ट, यस फास्ट आ रहा है समझ में सब लोगों को, नेक्स्ट जल्दी से बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन को सीखना चाहता है, तो हर तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ। बनाओ बनाओ शाबाश, अब देखो यहां प्रॉब्लम होगी 84% ऑफ 550, देखो 84% ऑफ 550, तो कैसे करोगे, देखो सिंपल है, परसेंट को यहां ले आओ, इससे हटा के, तो इसका 5 गुना कर दिया आपने, है ना बच्चे, तो आपने कहा इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, देखो बहुत इजी है, बहुत मुश्किल फेल होगा, मतलब लगेगा नहीं आपको, तो आपने कहा 500%, तो 5 से डिवाइड किया 2 से 4 बार 420, 50% 42 और जोड़ लो, तो 2 4 और 2 6 462 प्लस 40% ऑफ 250, तो 250 का 40% परसेंट दो जीरो काट देगा, 25 चक्का 100 हो गया, और इज इक्वल टू में 20% का मतलब 1/5, तो ये जाएगा कितना 562 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 5 से, तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 31, 5 पंजे 25 और 3 2810। तो आया समझ में कि मैंने इस वाले को कैसे किया, फिर से देख लो एक बार, आप इसको लिख सकते हो 84 का 550%, तो वी कैन ब्रेक के 500 गुना 84 का 5 गुना कर दिया 420 और 50% 42, आया नहीं आया समझ, अच्छा एक बार आया ना बोलो, ये स्टेप समझ में आया कि मैंने 462 कैसे किया, 40% ऑफ 250 100 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर बेस्ट है। तो जल्दी से एक बार बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, फास्ट, यस एवरीवन फास्ट, चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, जल्दी से करेंगे फास्ट, आ जाओ, अब बाकी शेड्यूल में आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरे वीक का शेड्यूल, एक बार जो नए बच्चे अभी अभी आए हैं उनको बता देता हूँ बेटा, पूरे वीक का शेड्यूल मैंने आपको दिया है यहाँ पर, पूरे वीक का शेड्यूल आप लोग नोट कर लो, अभी जो नए बच्चे आए हैं कि आज मंडे है तो मंडे को अप्रॉक्स 1 होगा, कल ट्यूजडे को अप्रॉक्स 2 होगा, उसके बाद में वेडनेसडे को परसेंटेज 1 होगा, थर्सडे को परसेंटेज 2 होगा और फ्राइडे को परसेंटेज 3 या फिर रिवीजन, तो ये पूरे हफ्ते का शेड्यूल है, तो जो बच्चे नए आए हैं उनको बताना चाहता हूं ये पूरे वीक का शेड्यूल है, सही है, चलो आ जाओ आओ, कैसे करेंगे देखो, 249 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, तो पहले डिवाइड करेंगे 3 से 8 बार 3 से, 5 गुना 405 प्लस 23 दूनी 46 में से 2 गया कितना हो जाएगा 44 अंडर रूट, तो आपने कहा 44, तो 449 44 और 5 49 आया ना बोलो, अरे कुछ तो कहो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर बने हैं बार बार सबसे पूछ रहा हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए उसको बेटा पूछना जरूर है ना, जब तक पूछोगे नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपने क्या कहा 3 से डिवाइड किया 5 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 23 थी, सॉरी अरे ये उल्टा हो गया 23 थी 69 67 होगा बेटा माफ कीजिएगा,
फोर, अरे यार 23 69 में से 2 गया 67 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 472 अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा। देखो फिर से ये डिवाइड किया 3 से 8 बार, 3 3 9 और मल्टीप्लाई 5 होगा, 5 3 15 40 और 41 और प्लस 67 बराबर में रूट एक्स और ये 11 का होता है, तो ये जाएगा बेटा 482 अप्रॉक्स में कितना है 22 माइनस 11 बराबर में रूट एक्स, तो ये जाएगा 11 इज इक्वल टू में रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 121। इजी है, एक बार आया ना बोलो फास्ट। हाँ समझ में सबको आ रहा है, एक बार थम्स अप कर दें कि आपको बस पूरे वीक का शेड्यूल समझ लो, अगर वीडियो को लाइक कर दें सब लोग फटाफट से, सारे बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। यस नेक्स्ट, एक और 30 सेकंड में आप देखो आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, आ जाओ। 12% ऑफ 50, तो 50% 12 का 6 हो गया, 750 का 4%, इजी है यार, बनाओ बनाओ। बहुत इजी था, 12% ऑफ 50 मतलब 50 का 12% कितना हो जाएगा 6। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आपकी अप्रोच बेटा आपको अलग बनाएगी और कुछ नहीं। प्लस आपने कहा 4% ऑफ 750, तो एक काम करो इसको 75% कर लो, इसको 40 कर लो, फर्क तो नहीं पड़ेगा। 75% का मतलब 3/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 10 3 30 हो जाएगा, और ये 5% ऑफ 240, तो 5% 240, 5% का मतलब होता है 1/20 से डिवाइड कर लो, तो 12 माइनस कर लो, अब 36 में से 12 गया, 24 आंसर है, नो पेन नो पेपर। तो जवाब दो मुझे, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा स्टेप्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक और जल्दी से नेक्स्ट बनाइए। जितने लोगों ने अभी तक बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जरा वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। आ जाओ कैसे करोगे, देखो सिंपल है, 11/14 ऑफ मतलब 560 33 और ये 240 और ये 500, 10% का मतलब 1/10 इनटू एक्स है ना। अब इसको सॉल्व, तो आपने कहा 11 से आपने कहा 3 बार, 14 4 56 40 हो गया, 3 से आपने कहा 80 बार, 2 0 से 2 0 काट दी, फिर आपने कहा 5 से 2 बार, 8 4 32 का डबल 64। बस सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का खेल है, आप अगर अच्छी अप्रोच लगा पा रहे हैं, आप अच्छी अप्रोच से कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। तो एक बार जरा सारे बच्चे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस फास्ट, तो एक बार फिर से सबको मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ इस पूरे वीक का शेड्यूल, कि मंडे को अप्रॉक्स 1 होगा, ट्यूजडे को अप्रॉक्स 2 होगा, कल मतलब अप्रॉक्स पे नए सवाल दिखेंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, उसके बाद वेडनेसडे को परसेंटेज 1 होगा, वेडनेसडे को परसेंटेज 2 और उसके बाद रिवीजन। तो ये इस यूट्यूब का फ्री शेड्यूल है, तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दें, और अब मेरी क्लास होगी 5 बजे अनअकैडमी पर, 5 बजे मेरी क्लास होगी अनअकैडमी पर। तो आपको अनअकैडमी के लिए क्या करना होगा मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार शेड्यूल चेक कर लो बेटा फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत कम लोगों ने अभी तक लाइक किया है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको जाना है अनअकैडमी पर, तो सीधे आप अनअकैडमी पर जाओगे, आप सर्च करोगे यहाँ पर इस तरीके से, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, अरुण सिंह रावत आप सर्च करेंगे इस तरीके से, ऊपर लिखेंगे आप अरुण सिंह रावत और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी।
आप इस तरीके से मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको बेटा जाना है स्पेशल क्लासेस में इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखोगे आज 21 तारीख है, 22 तारीख है, तो आप सी ऑल पे कर देना, मोबाइल पे दिख जाएगा आपके। और ये देखिए ये मेरी क्लास अभी होने वाली है, तो 500 क्वेश्चन सीरीज जो कि 17 मिनट बाद होने वाली है मेरी क्लास, तो आप टाइमर भी देख सकते हो। अभी जाके इस क्लास को क्या कर लेना, नोटिफाई कर लेना। आपको जब क्लास होगी तो नोटिफाई में यहाँ पे ऑप्शन आएगा नोटिफाई में, तो इस क्लास को नोटिफाई कर लेना। ये क्लास 5 बजे होगी, तो 5 बजे आप लोग लाइव आ जाना जहाँ पर हम लोग बहुत बेहतरीन क्लास कर रहे हैं। अभी जाके इसको शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पे, लिंक को कॉपी करना और सब जगह शेयर कर देना, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आपको शेयर करना हो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को फिर मैं एंड करता हूँ। कैसी लगी आज आपको मेरी क्लास, अपने आपको विजिबल कर लेता हूं मैं। चलो भाई, तो एक बार जरा सब लोग बताइए कैसी लगी आज की क्लास, बेहतरीन। तो 5 बजे मेरी क्लास होगी अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जो मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल से आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत मेरा नाम है, और आप वहां जाके मुझे फॉलो कर लेंगे, सही है। चलो तो समझ में आ गया, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे मैथ्स बाय अरुण सर चैनल, वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सही है। चलो तो मिलते हैं 5 बजे, आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।